Yes. A lot of noise. प्रेम प्रकरण किस तरह की फिल्म होने वाली है? आई थिंक इट्स अ लव स्टोरी, कमिंग ऑफ एज फिल्म, अमित त्रिवेदी म्यूजिक, मैग्नम ओपस, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रैंड फिल्म. प्रेम प्रकरण इज जस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर गुजराती, फॉर द गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छी फिल्म होने वाली है. वी आर होपिंग बिकॉज फ्रॉम द प्रोडक्शन वैल्यू टू डायरेक्शन टू एक्टिंग टू स्क्रिप्ट राइटिंग टू लिरिक्स टू म्यूजिक, एवरीथिंग हम एज नॉर्मल ऑडियंस जो देखना चाहते हैं आई थिंक वो है, क्योंकि जब अगर हम इस पिक्चर में नहीं होते तो भी ये पिक्चर देखने का मन होता, पर हम ये बोलेंगे नहीं. Also, क्या किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह का किरदार है और कितना कितना चैलेंजिंग था ये किरदार? मेरा एज आई सेड नहीं, लव स्टोरी नहीं है, दिस इज नॉट जस्ट द लव स्टोरी. जैसे मैंने कहा कमिंग ऑफ एज फिल्म है, जो ज़्यादातर आप साउथ में देखते हैं वो सब है. तो किरदार के बारे में ऐसा है कि 16 साल का जो स्कूल का बच्चा होता है वहाँ से 28-30 साल के लड़के तक की जर्नी है. तो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है, मच्योरिटी है, आवाज़ में फ़र्क है, बॉडी लैंग्वेज में फ़र्क है, उसकी लाइफ में जो लोग आते हैं वो बदलते हैं, और लड़का जो खुद जिसका नाम आदित्य है आदि वो बदलता है. तो और हम लोग को शूट करने में 6-9 महीने लगे थे करीबन, सो इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज ईजी. मेरे किरदार का नाम है रिया, और रिया बहुत ही मच्योर्ड लड़की है, बट एट द सेम टाइम शी इज़ पेपी एज वेल. इवेंट मैनेजमेंट का काम करती है वो, एंड यस आदि की इवेंट मैनेजर है, जो चाहती है कि उसकी लाइफ की मैनेजर भी बन जाए, बट देन लाइफ टेक्स टर्न, और किस हिसाब से आदि के इमोशंस चेंज होते हैं, रिया के इमोशंस चेंज होते हैं, उस हिसाब से बहुत लेयरिंग हो जाती है, जिसके लिए व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग तो यस मेरे में शायद बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, बट लेयर्ड इमोशंस थे, जिसकी वजह से मुझे खुद बहुत मज़ा आया परफॉर्म करने के लिए. गुजराती सिनेमा इन दिनों जिस तरह से इवॉल्व हुआ है, लोगों ने इतना प्यार दिया है, साथ ही लोग थिएटर में पहुंच रहे हैं गुजराती सिनेमा देखने के लिए, उस चीज़ को लेके कितना प्राउड फील होता है और ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत प्राउड फील होता है, और बिकॉज हम लोग हिंदी भी कर चुके हैं, मैं ईशा दोनों हिंदी काम कर चुके हैं, और फिर उसके साथ साथ गुजराती में काम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, और ये जो प्यार है ना, इसका कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं होती, बिकॉज कोई आपको अच्छा एक्टर बुरा एक्टर नहीं बोलता, आपको एज एक्टर्स प्यार करते हैं. सो दैट्स इज समथिंग दैट इज लैकिंग इन द अदर इंडस्ट्री ऑफ व्हाटएवर यू कॉल इट. सो गुजरात में प्यार बहुत ज़्यादा है, वो बहुत अच्छा लगता है. आई थिंक जब ऑडियंस का रिएक्शन मिलता है ना, कि आई नो दैट कंपैरिजन इज बैड, बट समहाउ कुछ अच्छी फिल्मों को वो बोलने लगते हैं कि ये बॉलीवुड से कम नहीं था. दो वी डोंट वॉन्ट इट टू बी कम्पेयर विद बॉलीवुड, बट जब ऑडियंस का रिएक्शन अच्छा लगता है और जब उन्हें प्राउड फील होता है कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी अच्छी पिक्चरें बन रही है, तो हमें अच्छा फील होता है कि हाँ, जो भी मेहनत हमने की, खून पसीना बहाया, वो एवरीथिंग वॉज वर्थ इट. मुंबई के जितने भी गुजराती हैं जो सिनेमा ये देखने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? यार ये गुजरात की पिक्चर है, गुजरात में अगर कोई मैसेज गुजरात या मुंबई में, मैं ऑडियंस को मैसेज देना चाहूँगा कि एक गुजराती पिक्चर है, बहुत प्यारी पिक्चर है, बहुत प्यार से बनी पिक्चर है, और जो मैंने आपको पहले बताया कि इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, ईशा ने बताया, एक्टिंग अच्छी है, सॉन्ग्स अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, और बहुत बड़ा स्केल भी है, तो आपके पास वो सब कुछ है जो आपको सिनेमा तक लेके जाएगा. आप जस्ट जाइए, फिल्म देखिए, एंड यू लव इट. आई थिंक मैं ऑडियंस को बस इतना कहना चाहूँगी, चाहे वो मुंबई में हो, गुजरात में हो, कहीं पे भी हो, एक तो गुजराती सब जगह बसे हुए हैं, सो यस. एंड मुझे कितने सारे मैसेजेस आते हैं, रिलेटिव्स के फ़ोन आते हैं कि ये ओवरसीज़ या इंदौर या पंजाब में जितने भी गुजरातीज़ हैं, दे ऑल वॉन्ट टू वॉच गुजराती फिल्म, और जब वो लोग देखते हैं तो वो लोग हमें फ़ोन करते हैं, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू, आई फॉरगॉट माई पॉइंट, आई एम सो नर्वस.
व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज कि गुजरात में जब पिक्चर आती है तो कैसा फील होता है? सो अच्छा फील होता है और या आई मीन जब वो लोग लैंग्वेज नहीं देखते एंड मैं उनसे बस इतना कहना चाहूँगी कि ये शायद इसमें लैंग्वेज का ही फ़र्क है, बट आप 70mm पे देखने जाओगे तो आपको उतना ही मज़ा आएगा जो पैसा वसूल फिल्म देख के होता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्रेम प्रकरण को मैं ये, क्योंकि ईशा जो इसमें काम कर रही हैं वो मेरे साथ अभी एक शो में काम कर रही थी, स्टार प्लस का एक शो था, अभी वो वाइंड अप हो गया है. और फिल्म का तो डिटेल अब देखने के बाद ही बता पाऊँगा कि कितना अच्छा है, बट ये मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत ज़माने के बाद ईशा जैसी बेहतरीन कलाकारा और इतनी अच्छी आर्टिस्ट मैंने बहुत टाइम के बाद देखी. जितना भी हमारा 6-7 महीने का 8 महीने का जब तक शो चला है स्टार प्लस पे, जिंदगी मेरे घर आना, और बहुत ही अच्छा शो था, बहुत ही बेहतरीन शो था. लेकिन अब शो की लाइफ तो आपको मालूम है, टेलीविज़न चैनल के मार्केटिंग और तमाम चीज़ों पे डिपेंड करती है, TRP और दूसरी चीज़. लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ रही कि उसमें बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, और चूँकि ईशा उसमें बहुत मेन, उसका मेन कैरेक्टर थी, और वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था. मतलब उस वो कैरेक्टर ऐसा था कि एक यंग लड़की जो माँ भी है, जो माँ बन गई है, और उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, तो जिस तरह से वो कैरेक्टर का, कैरेक्टर की जर्नी ईशा ने निभाई है, वो बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि मैंने बहुत कम देखा है ऐसे कलाकारों को और ऐसी एक्ट्रेस को. सो मैं एक तरह से ये कह लीजिए कि उनकी कला का, उनके आर्ट का और उनकी टैलेंट का बहुत बड़ा एडमायरर हो गया, प्रशंसक हो गया. तो जब आज इस फिल्म के बारे में उन्होंने मुझसे बताया कि आज स्क्रीनिंग है, तो मैंने सोचा कि यस, मुझे जाना ज़रूरी है. और मैं एक बार बधाई देना चाहता हूँ उसको, कलाकार के रूप में भी और जिस प्रोजेक्ट में भी ये फिल्म में उसने काम किया है, और इस फिल्म की कामयाबी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएँ करता हूँ. और मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म बहुत कामयाब हो और पूरी टीम को इसका फ़ायदा मिले और पूरी टीम का इसमें नाम हो. गुजराती इंडस्ट्री में आए हैं, बाकी बॉलीवुड में तो उसका अच्छा नाम भी है. तो एक तो म्यूजिकल लव स्टोरी बनाई है हमने, और एक तो आज तक गुजरात इंडस्ट्री में नहीं आई ऐसी एक स्टोरी हम लेके आए हैं. और क्या कहना चाहेंगे? पूरी स्टोरी कम्प्लीटली बॉलीवुड की तरह, पूरी स्टोरी जो है वो कम्प्लीटली एक बॉलीवुड फिल्म की तरह लगेगी. है गुजराती फिल्म पर पूरी आपको, आप अगर देखेंगे तो उसकी सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, DI, आप सब टेक्निकल अगर देखेंगे, साउंड से लेकर सब, तो वो सब आपको बॉलीवुड की तरह ही दिखेगा, एक रीजनल फिल्म की तरह नहीं दिखेगा. एक ये एक नई टेक्निक है. तो सर कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है आप लोगों को? ऑडियंस को एक अच्छा मैसेज मिलेगा, और वो अपने आप को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक, और अभी वो उस जो भी एज में है उसने अपने आप को कनेक्ट कर ही देंगे. इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक बार आपने ये फिल्म देखी तो 3 दिन तक आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच. लव स्टोरी है तो 10 गाने टोटल, 10 गाने म्यूजिकल लव स्टोरी है. तो जाहिर सी बात है लव स्टोरी है तो रोमांटिक गाने काफ़ी सारे, कुछ सैड भी है, मोस्टली रोमांस. गुजराती फिल्म में कितना दिल के करीब है आपके, अगर उस बारे में कुछ बताएं? मतलब मैं खुद ही गुजराती हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ मेरे रूट से, और एक मौका ढूंढ रहा था मैं लाइफ में कि कभी ऐसा मौका मिले, कोई ब्यूटीफुल खूबसूरत गुजराती फिल्म करने का मौका मिले. और ये इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है, जब आप मिले समझे बट साथ से इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एंड प्राउड ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ दिस. भूमि, जिस तरह से गुजराती सिनेमा इवॉल्व हो रहा है उसको लेकर कितना प्राउड फील होता है? मतलब जिस तरह का आपने देखा म्यूजिक सर का है, मतलब फिल्म भी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, तो कितना प्राउड फील होता है गुजराती सिनेमा जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है? सी फर्स्ट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेयर्स में अगर देखा जाए, लेकिन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेयर्स इज कि अमित त्रिवेदी सर की म्यूजिक फॉर अ गुजराती फिल्म इज अ बिग विन फॉर ऑल ऑफ अस और गुजराती इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज ऐसा म्यूजिक इंट्रोड्यूस हो रहा है एंड सर यहाँ पर है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती. एंड ही इज़ द बेस्ट एंड वी नो ही इज़ द लिविंग लेजेंड, एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री
रश्मि रॉकेट फिल्म जो रिलीज हुई थी, मेरा ये सौभाग्य है कि अमित सर के लिए मुझे गाने का मौका मिला एंड थैंक यू सो मच अगेन सर। ये कमाल के सिंगर है और इट्स बीन डूइंग सच अ ग्रेट वर्क गुजराती इंडस्ट्री में, वहाँ देखना आपको गुजराती इंडस्ट्री में भी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी, इट्स सच अ ब्यूटीफुल वॉइस, ग्रेट टेक्सचर, सो हैप्पी टू बी वर्किंग विद हर।